मोदी के नाम पर अगर फिर जीत जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इस बार मथुरा महतो हैं अगेंस्ट में, तो कुछ पड़ रहा लग रहा है कि दोनों समीकरण बराबर लग रहा है। जयराम महतो का भी कुछ है क्या फैक्टर? बिल्कुल है, अगर जयराम महतो जिस हिसाब से देख रहे हैं उनको त्रिकोणिया तो नहीं बोलेंगे लेकिन अच्छा खासा वोट वो लेंगे। 5 साल में 2 बार शकल दिखाइएगा तो क्या होगा? क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए गिरिडीह में, सब कोई खुश नेता होना चाहिए यार, क्या लोकल नेता कौन रहेगा यहाँ? तो हम लोग का सपोर्ट रहता ही है बीजेपी पार्टी को ही जिताना, लेकिन उस टाइप के नेता यहाँ जीत जाते हैं और फिर उस ढंग से यहाँ काम पब्लिक का सेवा के लिए नहीं कर पाते हैं। ये बीजेपी के नाम पर वोट मिल जाता है, लेकिन वैसे नेता जिनको अच्छा वोट मिलता है लेकिन वो गिरिडीह क्षेत्र में अपना काम यहाँ पब्लिक के सामने नहीं कर पाते हैं। हमको लगता है गिरिडीह की दुर्दशा है कि यहाँ पर अभी तक कोई बढ़िया नेता ही नहीं आया, हमको लगता है जिसमें कि पब्लिक उसको वोट दे सके। सुदीप सोनी जी ने घोषणा किया था कि हम लोग पचम्बा से लेके बाईपास बनवाएंगे, वो भी ढाक के 3 पात। तो देखिए ये आम का बाजार जो है गिरिडीह में यहाँ पर सज चुका है और कई वेराइटी के आम जो है यहाँ पर, ये कौन सा आम है? गुलाब खास। ये तो सूख गया है, सूख गया, धूप इतना कड़ा कर रहा है कि आदमी सूख जा रहा। जो काम नहीं होता है, गिरिडीह शहर का विकास नहीं होता है, आए दिन जाम रहता है, लोगों को परेशानी होती है, व्यापार की स्थिति बद से बदतर हो रही है, विकास नहीं हो रहा है। गिरिडीह को जो है सब पूरा जाम रहता है ज़्यादा, गिरिडीह शहर जो जाम से मुक्ति मिलना चाहिए, मुक्ति मिलना चाहिए। फ्लाईओवर बने या फिर बाईपास बने, फ्लाईओवर ही बनना चाहिए। बाजार को मतलब तोड़ करके बनाने से कोई फायदा नहीं, फ्लाईओवर बनना चाहिए। मतलब गिरिडीह के वोटर हैं, क्या देख पा रहे हैं इस बार? देख रहे हैं कि जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है। हाँ, टावर चौक हो गया, कालीबाड़ी हो गया, बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है। मैं हूँ सन्नी सारद और आप देख रहे हैं फॉलोअप। इस वक्त मैं गिरिडीह में हूँ। गिरिडीह लोकसभा की क्या स्थिति है? गिरिडीह लोकसभा में आखिर कितने समीकरण हैं? कोई कह रहा है 2 समीकरण है, कोई कह रहा है मुकाबला त्रिकोणी है। यही जानने के लिए इस वक्त हम गिरिडीह के कचहरी चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, कोशिश करेंगे कि घूम घूम कर बात कर सकें। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार नाम है मेरा भैया। क्या देख पा रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? इस बार लोकसभा चुनाव में पहले जैसे देखिए मोदी के नाम पर हम लोग वोट दिए थे जिसमें कि आपको चंद्र प्रकाश चौधरी जीत के आए थे। 5 साल के एवज में वो जो है कुछ अपना, जैसे कि हम एक न्यूज़ चैनल में भी देख रहे थे, वो बोल रहे थे रेलवे के लिए हम लोग रेलवे लाए हैं, नया गिरिडीह स्टेशन बनाया है, वहाँ से आपका जो है ट्रेन हम लोग लाए हैं। मुद्दा सिर्फ रेलवे बोल के ही हमको लगा, लेकिन हम बीच में कुछ कमेंट्स उसमें किए नहीं। लेकिन अभी ये स्थिति है कि गिरिडीह का जो है बिजनेस तो छोड़िए बद से बदतर भी हो गया, और यहाँ का जो रेलवे की बात करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट जाने के लिए हम लोग को पटना और कलकत्ता तक का भी बोगी नहीं है यहाँ से, कोई ट्रेन नहीं है जिससे आप कलकत्ता वगैरह जा, नहीं डायरेक्ट कोई नहीं है। आपको जाना है फिर पारसनाथ जाइए या तो फिर आप मधुपुर जाइए, यानी तो बोकारो जाके पकड़िए। जी, हम लोग लगातार 25 या 30 वर्षों से बोलिए बीजेपी को ही यहाँ का पब्लिक जिता रहा है, लेकिन दुर्दशा वही बना हुआ है। कोई भी जीते भैया हम लोगों को कोई फायदा होने वाला यहाँ है नहीं। कह रहे हैं कि जो जीत के गए वो अगर ट्रेन को ही अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन उसकी भी समस्या अब तक बरकरार है? अभी तक वही समस्या बरकरार है, इसके पहले भी हम लोग जिताए थे रविंदर पांडे जी को, उस समय भी वही है समस्या वही था, लेकिन उस समय बोगी दिया था, लेकिन ये बोगी तो खैर ख़त्म हो गया। उसके बाद कोई पहल नहीं किया नेता, हमको लगता है गिरिडीह की दुर्दशा है कि यहाँ पर अभी तक कोई बढ़िया नेता ही नहीं आया, हमको लगता है जिसमें कि पब्लिक उसको वोट दे सके। बाकी अब चुनाव फिर नज़दीक है, फिर लोग आ रहे हैं, मोदी के नाम पर अगर फिर जीत जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इस बार मथुरा महतो हैं अगेंस्ट में, तो कुछ पड़ रहा लग रहा है कि दोनों समीकरण बराबर लग रहा है। जयराम महतो का भी कुछ है क्या फैक्टर? बिल्कुल है, अगर जयराम महतो जिस हिसाब से देख रहे हैं उनको त्रिकोणिया तो नहीं बोलेंगे लेकिन अच्छा खासा वोट वो लेंगे, ये बात तो तय है। क्या कि जब भी वो निकलते हैं उनके साथ बहुत बड़ा भीड़ जो हम लोग देखते हैं, कम से कम 5,000-4,000 का भीड़ और यूथ कम से कम उनके साथ है। मथुरा महतो को कितने विश्वास भरी निगाह से देख पा रहे हैं? लेकिन मथुरा महतो भी यहाँ के बाहरी आदमी है भैया, ठीक है, गिरिडीह की दुर्दशा ही बोलिए कि गिरिडीह में वैसा कोई नेता ही नहीं है जिसको कि पब्लिक लगे कि नहीं इनको वोट दे देना चाहिए। वो मोदी के नाम पर वोट ले ले, या गठबंधन के नाम पे वोट ले ले, अब जिस समय वोट होगा तो उसी समय सोचेंगे, लेकिन अभी तो पब्लिक जो है असमंजस में है।
पहले सोच रहे हैं आप लोग? सोच रहे हैं अभी हम लोग। क्या क्या समस्या है गिरिडीह का? देखिए सबसे बड़ा एक जाम का समस्या है यहाँ पर। यहाँ पर इसके पहले भी एक यहाँ के जो स्थानीय विधायक जी हैं सुदीप सोनू जी ने घोषणा किया था कि हम लोग पचम्बा से लेके बाईपास बनवाएंगे, वो भी ढाक के 3 पात। अभी तक वो कहीं सुने कि पहले उधर से काम लग रहा है, कोई बोल रहा है इधर से काम लग रहा है, लेकिन काम एक्चुअली कहीं से नहीं लग रहा है। वो घोषणा हमको लगता है चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा कि इधर काम लगा है भैया। अब चुनाव के बाद हो जाए तो हो सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं लगा है काम, और वही समस्या अभी तक बनी हुई है जाम की। जो समस्या है वो समस्या अभी तक बनी हुई है, और यही वजह है कि गिरिडीह की पब्लिक करिए कि हम लोग सोच रहे हैं। तो और कई लोग हैं, हम कोशिश करेंगे कि बात करें। क्या नाम है आपका? मैं ठीक रहने जी। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण गुप्ता नाम है। अरुण जी क्या देख पा रहे हैं, क्या समस्या लग रहा है गिरिडीह की? मैं तो बीजेपी पार्टी से ही हूँ, आप अपनी पार्टी बारे में मैं जानकारी दे सकता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे जो क्षेत्र में जो भी आते हैं सांसद या विधायक, वो हम लोग का सपोर्ट रहता ही है बीजेपी पार्टी को ही जिताना। लेकिन उस टाइप के नेता यहाँ जीत जाते हैं और फिर उस ढंग से यहाँ काम पब्लिक का सेवा के लिए नहीं कर पाते हैं। ये बीजेपी के नाम पर वोट मिल जाता है, लेकिन वैसे नेता जिनको अच्छा वोट मिलता है लेकिन वो गिरिडीह क्षेत्र में अपना काम यहाँ पब्लिक के सामने नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ अपना मुद्दा लेकर के वो जहाँ भी जाएं वो काम नहीं कर पाते हैं। मतलब बड़ी बात बोल रहे हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि वो लोग जीत जाते हैं मोदी जी के नाम पर काम नहीं करते हैं। हम 25 सालों से बीजेपी में हैं और मेरा पद भी बढ़ गया बीजेपी में। जो काम नहीं होता है, गिरिडीह शहर का विकास नहीं होता है, आए दिन जाम रहता है, लोगों को परेशानी होती है, व्यापार की स्थिति बद से बदतर हो रही है, विकास नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में लोग जाते हैं उधर काम बढ़ रहा है, लेकिन हमारा बिजनेस जो टाउन का है उसमें दिक्कत हो रहा है। चंद्र प्रकाश जी जब आते हैं तो ये सब बात नहीं बोलते हैं? चंद्र प्रकाश चौधरी जी हमारे अभी हमारे मौरी छात्रावास में मामथ्रासनी पूजा जो वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है उसमें वो आए थे चंद्र प्रकाश चौधरी, और हमारे बगल भी बैठे थे। हमने उनको जानकारी दिया, पिछले बार जो आप गलती किए इस बार गलती नहीं कीजिए, आपको वोट हम ही लोग देंगे लेकिन मेहनत करके काम दिखाना होगा। अगर आप गिरिडीह क्षेत्र का विकास नहीं कीजिएगा तो आगे जाके आपको और परेशानी बढ़ जाएगी, हो सकता है मीटिंग में आपको बात का और कुछ सुनना पड़ जाए। तो बात तो ये हुआ ही है, हम लोग चाहते हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी को वोट मिले, लेकिन उनको विश्वास के साथ ही कहना पड़ेगा कि हम अपने क्षेत्र में बढ़िया काम करें, और अगर बढ़िया काम आगे वो नहीं करेंगे तो आगे के लिए गिरिडीह का दुर्दशा है। बिल्कुल, देखिए चंद्र प्रकाश चौधरी और बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन इनके मन में जो बात है वो कह भी रहे हैं, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, आप सपोर्ट करें या विरोध करें लेकिन जो समस्या है, मूल समस्या है, वो बात होनी चाहिए, वो बात हो रही है। क्या नाम है? ऐसे आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं। नहीं, हम लोग बोल ही नहीं पाएंगे। नाम क्या है? रणधीर विश्वकर्मा। तो आप यहीं गिरिडीह के रहने वाले? गिरिडीह के निवासी हैं। तो आपको क्या लगता है कि गिरिडीह में क्या सबसे पहला काम है जो हो जाना चाहिए राज्य स्तर पे या देश स्तर पे? गिरिडीह को जो है सब पूरा जाम रहता है ज्यादा, गिरिडीह शहर मतलब जाम से मुक्ति मिलना चाहिए। तो फ्लाईओवर बने या फिर बाईपास बने? फ्लाईओवर ही बनना चाहिए, बाजार को मतलब तोड़ करके बनाने से कोई फायदा नहीं, फ्लाईओवर बनना चाहिए। और जो बाहर से गाड़ियां आती है वो बाहर ही निकल जाए, उसको रिंग रोड बनना चाहिए यहाँ के लिए, रिंग रोड होना चाहिए गिरिडीह शहर के लिए। देखिए रिंग रोड की एक समस्या है और जाम की समस्या है, क्योंकि आप रांची से देवघर आएंगे तो गिरिडीह शहर से होकर गुजरना पड़ता है, और यही वजह है कि जाम की यहाँ पर समस्या हो जाती है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आप? तो देखिए कई लोग हैं जो बातचीत नहीं करना चाहते। देखिए एक फल दुकान भी है, फल विक्रेता है। क्या नाम है आपका? हमारा सहबाज नाम है। सहबाज जी कहाँ रहते हैं आप? नाइडी। मतलब गिरिडीह के वोटर हैं? क्या देख पा रहे हैं इस बार? देख रहे हैं कि जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है। हाँ, टावर चौक हो गया, कालीबाड़ी हो गया, बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है। कैसे किलो है ये? कौन सा आम आ गया? आम आ गया जानते, बैगन फूली। दिखाइए इसको, देखिए ये बैगन कुली आम। इससे बढ़िया आम मीठा आम इधर आइए। ये मीठा आम है। तो देखिए ये आम का बाजार जो है गिरिडीह में यहाँ पर सज चुका है, और कई वेराइटी के आम जो है यहाँ पर। ये कौन सा आम है? गुलाब खास। ये तो सूख गया है, सूख गया, धूप इतना कड़ा कर रहा है कि आदमी सूख जा रहा है। तो देखिए ये आम का बाजार जो है गिरिडीह में यहाँ पर सज चुका है, और कई वेराइटी के आम जो है यहाँ पर। ये कौन सा आम है? गुलाब खास। ये तो सूख गया है, सूख गया, धूप इतना कड़ा कर रहा है कि आदमी सूख जा रहा है। कहाँ से ये सब आम आया? एक किलो है ये सब मद्रास का आम है। अब
अभी इधर लोकल आम तो लोकल अभी जब तक पानी नहीं पड़ेगा तब तक लोकल नहीं आएगा। मालदा वगैरह सब नहीं नहीं आएगा। हाँ पानी पड़ेगा तब फिर मालदा वाले आएगा। बिक्री कैसा है? हम सर बिक्री धूप इतना कड़ा कि आदमी बाहर नहीं निकल रहा। हाँ सब निकल रहा शाम में। चुनाव की गर्मी कैसी है यहाँ बताएगा मेरा भाई? चुनाव की गर्मी हम नहीं जानते हैं फूल भाई बताओ। अरे बताओ बताओ। तो देखिए और लोग हैं, हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर कई वैरायटी के आम हैं और अलग अलग फल हैं। लोग जो है बातचीत ज़्यादातर नहीं करना चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? गुफरान। क्या देख पा रहे हैं इस बार चुनाव में यहाँ गिरिडीह में? भाजपा के लोग नाराज है आंसू से। अच्छा आप किसके लोग हैं? हम किसी के लोग नहीं हैं भैया। मतलब भाजपा के लोग नाराज हैं आंसू से आप? क्या कारण है? 5 साल में 2 बार शकल दिखाइएगा तो क्या होगा? तो क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए गिरिडीह में? ये सब कोई खुश नेता होना चाहिए यार। क्या लोकल नेता कौन रहेगा यहाँ? तो अब तो कोई नेतवेन समझ में आता है क्या? उम्मीदवार हैं उसमें से कोई लोकल आपको दिख रहा है? यही तो गिरिडीह का दुर्भाग्य है भैया कि यहाँ का लोकल कोई MPA नहीं बनता, इसलिए कोई कल्याण नहीं हुआ आज तक। जी यही दुर्भाग्य है यहाँ का और क्या बोलेगा। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार NEET UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। In, like, share, and subscribe. www.thefollowup.in